नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की उपास टीएनटी की। मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन पे, आपके हेड पे, आंखों पे, मुंह पे, चेस्ट पे, स्किन पे ये कितना महत्वपूर्ण वर्क करती है, और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसका कैसे प्रयोग करना है। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। आज आपको होम्योपैथी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा मिलने जा रही है। ये दवा बहुत ही रेयर है, हो सकता आसानी से आपको ना मिले, लेकिन आप बड़े स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन ये वाकई साथियों बहुत ही काम की दवा है। और जो भी रेयर मेडिसिन होती है, टू द पॉइंट कुछ विशेष चीजों के लिए बनाई जाती हैं। ये जरूर थोड़ी मिलने में आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव दवाएं होती है साथियों। तो ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, बहुत ही शोध करके, रिसर्च करके, आजमा करके और तब आपको बताई जा रही है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों। अगर मेल की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पुरुषों में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, बहुत ही ज्यादा उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा होती है, बट वो क्या होता है कि फिजिकली बिल्कुल ही जो है कमजोर होते हैं। यानी कि अगर आपको डिजायर इंक्रीज हो रहा है विथ लॉस ऑफ पावर है, तो उपास टीएनटी आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से आपको कमर में अगर बहुत तेज दर्द हो रही है, तो भी साथियों ये उपास टीएनटी आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और सभी कभी कभी साथियों क्या होता है कि आपको मानसिक रूप से इतना ज्यादा आप थके रहते हैं कि इस तरह की चीजों की आपकी इच्छा ही नहीं करती। यानी कि अगर आपको मानसिक थकान लग रहा है, तब भी इस दवा का प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा काम करेगी। अगर हेड की बात कर ले साथियों, तो कभी कभी हमारे ऐसे बच्चे होते हैं, या आप हो या कोई भी हो, जैसे लगता है किसी मानसिक कार्य में मन ही नहीं लगता। आपको ऑफिस में मन नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको किसी कार्य में जैसे लगता है कि इच्छा ही नहीं करती। तो अगर इस तरह की आपकी समस्या है, तो आपको उपास टीएनटी जरूर आजमाना चाहिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके साथ ही साथ साथियों, अगर आपको चिड़चिड़ाहट हो, आपको जैसे लगता है कि छोटी छोटी बात पे आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, और एक सिम्टम इसका साथियों बहुत ही इफेक्टिव है कि जैसे लगता है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको खुद महसूस किए होंगे कि कभी कभी सर में ऐसा दर्द होता है कि आप खुद नहीं समझ पाते हो। कोई पेन किलर वगैरह ले तो तब भी आराम नहीं मिलता, इसलिए कि वो मस्तिष्क के गहराई वाला दर्द है। तो साथियों, अगर आपको भी सर में दर्द मस्तिष्क के गहराई तक हो, तो आप उपास टीएनटी का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके साथ ही साथ आंखों की अगर बात कर लें, तो देखिए हमारी आंखों में क्या होती है कि दो तरह की होते, देखिए एक होता है सफेद पार्ट, एक होता है काला पार्ट। यानी काला पार्ट यानी कंजक्टिवाइटिस, और सफेद पार्ट यानी कि कन्फक्टिवाइटिस, कन्फक्टाइवा। तो अगर आपको शुक्ल मंडल में, देखिए काले को हिंदी में कृष्ण मंडल और सफेद को शुक्ल मंडल, थोड़ा हिंदी भी आप जानिए थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपको शुक्ल मंडल में दर्द हो, सूजन हो, जलन हो, कभी कभी देखे होंगे कि आंख में हमारी जो सफेद वाला पार्ट होता है वो लाल हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, तो आपको कन्फक्टिवाइटिस हो, यानी शुक्ल मंडल में दर्द हो, जलन हो, तो आप जो है उपास टीएनटी का प्रयोग करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। हमारे आंखों के आर्बिट में पेन हो रहा, जिसे पूरी आंख में जैसे लगता है कि अंदर गहराई तक अगर पेन हो रहा है, तो भी आप इस मेडिसिन को लीजिएगा, बहुत अच्छा काम। इसके साथ ही साथ देखे होंगे साथी, माउथ की अगर हम बात करें, तो माउथ के देखिए होठ पे अगर आपको एक्जिमा हो, होठ का अगर दाद हो, आप उपास टीएनटी का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करेगी। कभी कभी क्या होता है कि जीभ में जलन होता है और आपके मुंह में दर्द होने लगता है। देखिए साथियों, कभी कभी ऐसा हम लोगों को ही महसूस होता है कि हमारे मुंह में दर्द हो रहा, और मुंह का दर्द ऐसा दर्द हो जैसे लग रहा है कोई नीडल चुभाया जा रहा, कोई सुई चुभोई जो रही। तो अगर आपको मुंह में सुई चुभोने जैसा दर्द हो, जीभ पे जलन हो, होठों की दाद हो, तो आप इस दवा का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करेगी। अब आइए चेस्ट की बात करें। चेस्ट के लिए साथियों बहुत ही अच्छी दवा है।
एक पिकुलियर चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर फेफड़े के दाहिने हिस्से में दर्द हो और वो दर्द आपके लीवर तक आए और जिसके वजह से आपको सांस लेने में परेशानी हो, उपास्टी अंडे का प्रयोग करिए, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको अगर स्किन में इस तरह की समस्या है, जैसे कभी कभी देखे होंगे कि हमारी चमड़ी में, हाथ पैर की चमड़ी में जैसे सुन्नपन हो जाता है, हाथ पैर में सुन्नपन हो जाता है, आपको कमजोरी लगती है, जैसे लगता है कि हाथों में कन्वल्जन हो रहा है, सुन्नपन हो रहा है, तो आप इस दवा का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। नाखून के लिए साथियों रामबाण दवा है। कभी कभी देखे होंगे कि हम लोगों के नाखून में कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, जैसे नाखून में सूजन हो जाए, नाखून के जड़ में सूजन हो, जलन हो, लाली हो, अगर इस तरह की परेशानी हो तो उपास्टी अंडे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट दवा है। इसके साथ ही साथ साथियों अब हमें उम्मीद है कि आपने पूरे सिम्टम को समझ लिया। अब आइए इस दवा का कैसे प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताते हैं। हाँ साथियों, यहाँ प्रयोग से पहले मैं एक चीज बताऊं कि ये दवा टिटैनिक स्पाज्म के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपको जिसे टिटनेस जैसे शरीर में अकड़न हो रही, जैसे लगता है कि आप बिल्कुल शरीर टाइट हो जा रही, पीछे की तरफ ऐसे लगता है धनुष की तरह की आप अकड़न अंगड़ाइयां लेते हैं, शरीर अकड़ रही है, यानी टिटैनिक स्पाज्म हो, इस दवा का प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस दवा को साथियों प्रयोग की अगर बात करें तो इस दवा को 30 पावर में या लोअर पोटेंसी में 6 में 30 में आप प्रयोग करिए, बहुत अच्छा काम करिए। मदर टिंचर में भी अच्छा काम करती है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सीबीआरटी इस दवा का प्रयोग करिए। साथियों मैं प्रयोग के तौर पे आपको इसलिए पूरी बात नहीं बताते हैं कि देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही दवा का प्रयोग सटीक रहता है। हम आपको ऐसे बता दें तो कभी कभी क्या होता है कि आप दवा का प्रयोग करते हैं आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, ऐसे कंडीशन में आप इस दवा को अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से लें। अगर मेरे लायक कोई सेवा है आप फोन करके कल्याणम शाखा के किसी भी ब्रांच में आकर के इस दवा को के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप भविष्य में लेना चाहते हैं और आप अभी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो साथियों अभी तक आपको जानकारी नहीं मिल पा रही होगी, आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबाइए और जुड़ जाइए कल्याणम होम्योपैथी से, डॉक्टर एस बी तिवारी से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।